Dear friends, welcome back once again. Now, देखिए आज हम लोग जो है वो एक टॉपिक लेकर के आए हैं यूज ऑफ टेंस जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. मैं आज केवल वही पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो 12th के एग्जाम में बिहार बोर्ड में जो पूछता है कहां से क्वेश्चन आते हैं टेंस से, मैं उसी को आज क्लियर कर रहा हूँ. ठीक है, तो देखिए कि क्वेश्चन बिहार बोर्ड में किस तरह का पूछता है और कहां से पूछता है. आप इतना कर लीजिए पक्का आपका नंबर आ जाएगा. कोई नहीं सकता है कि नंबर नहीं आए. पूरा टेंस का एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं सुनेगा. तो देखिए टेंस पहला जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करें तो आपको स्ट्रक्चर मालूम है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड. ठीक है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड, ये स्ट्रक्चर है, बनावट है. आपको पता है कि यदि इसको हम निगेटिव करते हैं तो डू और डज लगाते हैं. डू और डज लगाते हैं तो ये V5 जो होता है, यदि डज से V5 कैंसिल तो बचा क्या, V1. यानी जब निगेटिव या इंट्रोगेटिव करते हैं तो क्या डज लगा दिए तो आपके साथ क्या होगा, जो मेन भर्व का पांचवा रूप था वो पहला रूप में बदल जाएगा. अब देखिए इसको यूज मिलनी चाहिए. इंट्रोगेटिव वगैरह आपको आता हो या स्ट्रक्चर बचपन से बहुत रटे होंगे, लेकिन यह स्ट्रक्चर बनाना नहीं आता 12th में. एग्जामिनेशन हो 10 हो 12 हो उसमें आता नहीं है. आता क्या है, तो यूज ऑफ टेंस. तो यूज ऑफ हम पढ़ते हैं परजेंटी. तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हम कहां करें, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट जो सबसे पहला आपको हम जहां से क्वेश्चन आता है, देखिए ये आता है पहला क्या कि एवरी डे एवरी मंथ एवरी ईयर एवरी संडे एवरी मंडे एवरी होली एवरी दिवाली एवरी बर्थडे. यानी एवरी के बाद यदि टाइम लगता है इसका प्रयोग किस टेंस में करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में. जैसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा ही खाली स्थान ही कम्स हेयर डेली. ही हेयर डेली आपको यहां पे ऑप्शन दिया जाएगा कम्स कमी और हैज कम. इस तरह का ये क्वेश्चन होगा. बताइए मैंने अभी बताया बोर्ड पे लिखा भी है कि डेली रहेगा तो कौन टेंस का प्रयोग करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट. देखिए ही के साथ क्या लगाइएगा, तो ही के साथ क्या लगाना है कम्स V5, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में V1 या V5 लगता है, ही सिंगुलर है तो उसके सब क्या लगेगा V5 लगेगा. ओके चलिए आप इसको पॉज करके उतार लीजिएगा. एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं. एग्जांपल है दूसरा दे आपको ऑप्शन है आर प्लेइंग, बी में ऑप्शन है हैज प्लेड, सी में ऑप्शन है प्ले और डी में है प्लेज. देखिए इन चारों ऑप्शन में कौन सा मोस्ट सुटेबल ऑप्शन होगा, तो आप देख पा रहे हैं कि यहां एवरी संडे लगा है और आपको पता है एवरी के बाद टाइम लगता है तो प्रयोग कौन टेंस में होता है, प्रेजेंटिव डिफरेंट V1 या V5. देख के साथ क्या लगाइए,
V1 या V5 दे बहुत सारे हैं, तो प्लुरल है तो प्लुरल के साथ V1, क्योंकि V1 प्लुरल होता है और V5 क्या होता है सिंगुलर। तो यहां देखो ही था तो V5 लगाए, यहां दे है तो क्या लगाएंगे V1 लगा। सही ऑप्शन क्या होगा? ये जो वर्ड आपके लिखे हैं एडवर्ब ऑफ टाइम जो बोर्ड पे लिखे हैं, इसका प्रयोग हमेशा सेंटेंस के लास्ट में ही करना है, ठीक है, या सेंटेंस के शुरू में भी होता है तो कॉमन लगे होते हैं, सेंटेंस के शुरू में भी लिखा जा सकता है, लेकिन बेहतर क्या होता है कि एडवर्ब ऑफ टाइम को सेंटेंस के लास्ट में। देखिए इसी में मैं दूसरा बताने वाला हूं जिसका प्रयोग जो है आप कहां करेंगे तो सेंटेंस के, देखिए सेंटेंस में इसको पहले कर सकते हैं जो मैं अब लिखने वाला हूं। यहां पे यूजुअली रवि को लगता है बारह में सेंडर, देखिए रेयरली घूमता है, जनरली जनरली के बाद ऑकेजनली ऑकेजनली, ठीक है इस तरह से आप जब इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, तीन शब्द का प्रयोग भी किस टेंस में होता है परजेंटिव डिफिनिट में होता है, ठीक है, तो परजेंटिव डिफिनिट में कहां होता है इनका प्रयोग? देखिए ही यूजुअली खाली स्थान, यानी ये जो एडवर्ब है वो सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब से पहले लगता है। यहाँ ऑप्शन आपके सामने है, बताइए कम्स ऑप्शन सी में दे देता हूँ आपके लिए इज कमिंग, और ऑप्शन फोर देता हूँ वाज कमिंग। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि इसमें सही ऑप्शन आपके क्या होंगे, इसमें सही ऑप्शन लिखे ही के साथ हियर, यानी इसमें एडवर्ब से यूजुअली, और यूजुअली का प्रयोग यूजुअली मीन्स हमेशा, बोलो यूजुअली का प्रयोग किस चीज में करते हैं आप? तो बोर्ड पे लिखा है प्रेजेंटिव डिफिनिट, देखिए सब्जेक्ट ही है, ही कितना है एक, और जब एक रहता है सिंगुलर रहता है तो वर्ब बी फाइव सिंगुलर, अतः आपका सही जवाब क्या होगा बी होगा। इस तरह से एक और एग्जांपल मैं दे देता हूं, दे शेल्ड अप खाली स्थान, ये दोनों को 18 को लिखा गया वो कभी हिंदी नहीं। अब बोलो सेल्डम लगा हुआ, मान लो कि आपको हिंदी नहीं आती है, हिंदी से क्या मतलब भाई, अंग्रेजी के क्वेश्चन को हिंदी से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन आप लोग समझने के प्रयास में हिंदी करने के लिए जाते हैं, हर चीज को हिंदी कीजिएगा तो पता चलेगा आप इंग्लिश से जोड़ करके पढ़ते हैं, यही वजह से इंग्लिश में तकलीफ होता है। अब यहां बताइए कि दे सेल्डम, सेल्डम का प्रयोग हम किस टेंस में करते हैं? प्रेजेंटिव डेफिनिट। देखिए आप देखना है सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट यहां प्लूरल में बहुत सारे हैं तो वर्ब भी क्या होगा प्लूरल, तो दे के साथ आप क्या लगाना चाहेंगे? तो बोलो तो मैं ऑप्शन यही देता हूं काम इज कमिंग वाज कमिंग, तो क्या लगाइएगा अब यहां पे भरिएगा कम्स, क्या होगा कम, क्योंकि दे पुलरल है और पुलरल के साथ भीवन लगता है, अतः सही ऑप्शन क्या होगा कम। ओके देखिए और जो प्रेजेंट इंडिफिनिट से क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनेशन वो क्या पूछता है, आगे मैं लिख रहा हूं कि तीसरा यूज में लिखाता हूं आपको प्रेजेंट इंडिफिनिट का, तीसरा है कि आप जब इसका प्रयोग करते हैं जैसे कंडीशनल सेंटेंस में इफ वेन, ठीक है, इसके साथ अनलेस अंटिल, ये जो वर्ड है कंजंक्शन, इसके साथ जब आप कंडीशनल लगाते हैं तो यहां पे प्रेजेंट इंडिफिनिट का प्रयोग होता है और इधर फ्यूचर इंडिफिनिट का प्रयोग होता है, ठीक है। आप जब इसको करने को जाते हैं तो देखिए जैसे आप अक्सर बनाते हैं इफ ही ब्लैंक्स, एग्जामिनेशन में क्या होगा यहाँ पे खाली जगह देगा, उसके बाद लिखेगा आई शैल गो,
हिंदी, जैसे कि यदि वह आएगा तो मैं जाऊंगा, इस तरह का क्वेश्चन कर दिया जाए और आपसे कहा जाए, ऑप्शन यहां पे है इज कमिंग, ऑप्शन नंबर बी कम्स, सी कम, और डी जो है वो हैव कम। आप इस तरीके से देखिए कि इसमें सही ऑप्शंस क्या आप सिलेक्ट करेंगे। तो इधर देखिए सेल गो फ्यूचर इंडिफिनिट, तो रिपीटेशन ऑफ फ्यूचर इंडिफिनिट वी यूज प्रेजेंट इंडिफिनिट। जब भी रिपीट करता हो फ्यूचर इंडिफिनिट तो उसको अवॉइड करने के लिए, प्रिटेंड करने के लिए हम हमेशा किसका प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट का। इन द सेम वे द आंसर विल बी बी, राइट आंसर विल बी बी। इसका देखिए आपको ऐसा लगेगा कि ये हिंदी हो गया, अगर वह जाता है तो मैं आऊंगा, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। कंडीशनल में रिपीटेशन ऑफ फ्यूचर इंडिफिनिट दी ऑलवेज इज प्रेजेंट इंडिफिनिट इन द प्लेस ऑफ फ्यूचर इंडिफिनिट, तो दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी कम्स। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, व्हेन वी दे विल डांस, ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए प्ले, ऑप्शन बी आर प्ले, सी प्लेस, ए बराबर, डी आर प्लेट। इन चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए और इसको देख करके बताइए कि कौन आपका करेक्ट आंसर है, ए बी सी डी, क्या होगा सही ऑप्शन। तो देखिए इधर आप देख पा रहे हैं विल डांस, विल प्लस वी1, ये कौन टेंस है, फ्यूचर इंडिफिनिट, और ये वेन कंडीशनल लगा हुआ है। आप देख रहे हैं कि यहां ये कंजक्शन लगा हुआ है, ठीक है। तो इस कंजक्शन से जब लगा हुआ है तो वेन वी दे विल डांस, जब मैं क्या करूंगा, जब हम लोग खेलेंगे तो वो लोग नाचेंगे। इन द सेम वे वी विल यूज प्ले बिकॉज सब्जेक्ट इज प्लूरल, दैट्स व्हाई वर्ब विल बी आल्सो प्लूरल। यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा। तो देख पा रहे हैं कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन, जो इंटरमीडिएट का एग्जाम है उसके लिए बहुत यही सब क्वेश्चन करता है। देखिए मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूं अगला कॉन्सेप्ट को लेकर के, आपको नहीं समझ में आता है तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, ठीक है ना। आगे चलता हूं चौथा नंबर पे, ठीक है, हमको लाना है 9A। देखिए फिक्स प्लान जो होता है फ्यूचर में, यदि कोई फिक्स प्लानिंग आप करते हैं तो उसमें आप फ्यूचर इंडिफिनिट से नहीं बनाकर किससे बनाना है, प्रेजेंट इंडिफिनिट से। फॉर एग्जांपल जैसे द पीएम ग्लैंस ऑन मंडे, पहला ऑप्शन ये, इसी तरजी पे एक और देता हूं आई ऑन मंडे, दोनों के लिए मैं ऑप्शन सेम दे रहा हूं। फर्स्ट ऑप्शन है आपके लिए कम्स, बी कम, सी विल कम, और डी जो है वो ऑप्शन नंबर डी सेल कम। अब देखिए द पीएम ऑन मंडे, यहां पे पीएम दोनों के लिए सेम ऑप्शन है, ध्यान दीजिएगा, आई ऑन मंडे, तो यहां ऑन मंडे देखिए तो दोनों में सेम है, यहां द पीएम है और यहां आई, केवल सब्जेक्ट में चेंजेस है, तो करेंगे क्या। तो देखिए आई आई के साथ कम कम सेल कम, तो लग रहा है कि मंडे आने वाला टाइम है, आने वाला टाइम है तो फ्यूचर है, तो बच्चे क्या करते हैं कि फ्यूचर देख करके, आने वाला टाइम को देख करके फ्यूचर इंडिफिनिट लगा बैठते हैं, जो कि हर कंडीशन में सही नहीं है। आप पढ़ के रट
याद करके नहीं कुछ कर सकते, आपको सेंटेंस को देखना होगा, सिचुएशन को देखना होगा, तब जाकर के क्वेश्चन सही सटल होंगे। आप तुक्का नहीं लगा सकते हमें। तो बताइए द पीएम ऑन मंडे कोई आम आदमी है कि पीएम है? यदि प्राइम मिनिस्टर आने का सूचना दिया है यानी प्लान बना है तो बोलिए क्या प्राइम मिनिस्टर को मन करेगा कि नहीं यार आज नहीं जाना है, तो क्या वो नहीं जाएगा? नहीं ना। प्राइम मिनिस्टर यानी वो जो है टाल नहीं सकता जब तक इमरजेंसी नहीं आ जाए, तूफान चक्रवात या वो खुद नहीं पड़ जाए। यानी कहने का मतलब ये है कि जब तक इमरजेंसी नहीं डिस्टर्ब करता तब तक ये जो है एक वरिष्ठ सिटीजन, सीनियर सिटीजन, एक सेलिब्रिटी, विश्वविख्यात, ये सब जो है इनके एक्शन में तब तक चेंजिंग नहीं होते जब तक इमरजेंसी नहीं आती है। इसका मतलब मेरी अपेक्षा यानी एक मैं और एक प्राइम मिनिस्टर की बात करूं तो मेरी मर्जी करेगा तो मैं नहीं जाऊंगा, होता ही नहीं अक्सर ऐसा। यानी आपका मन करेगा कि आज नहीं जाना है तो नहीं जाना है, लेकिन क्या प्राइम मिनिस्टर का मन करेगा कि नहीं जाना तो नहीं जाना है? ऐसा नहीं हो सकता। इट मीन्स यहां जो है वो परसेंटेज ऑफ सर्टेनिटी निश्चितता की जो मात्रा है वो ज्यादा है। यानी वी कैन से दिस इज द 90% पॉसिबिलिटी टू गो, बट नाउ द सेकेंड सेंटेंस ओनली 50%। इसका मतलब ये नहीं टूट सकता, ये नहीं रुक सकता और नीचे वाला रुक सकते हैं। तो आप देखिए दोनों देखने में आपको सेम लग रहा होगा लेकिन आंसर आपके डिफरेंस होगी। इन फर्स्ट सेंटेंस पहला सेंटेंस में मच मोर पॉसिबिलिटी यानी पॉसिबिलिटी जो बहुत ज्यादा है, तो आप क्या लगाएंगे? पीएम, देखो थर्ड पर्सन है, सिंगल है ना, पीएम एक ही होता है तो सिंगल है, तो आप यहाँ पे क्या लगाएंगे? कम्स। यानी यहाँ पे आपको लगाना है कम्स। और नंबर टू आई जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप कम लगा नहीं सकते, यहाँ पे कम लगाते हैं तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्या लगाना होगा? यहाँ पे आपको शैल कम लगाना होगा। अतः ये फ्यूचर में बनेगा, यानी फ्यूचर इंडिफिनिट जो है वो पॉसिबिलिटी शो करता है जबकि प्रेजेंट इंडिफिनिट जो है वो सर्टेनिटी शो करता है। तो अतः आप ये कह सकते हैं कि जब फ्यूचर कोई प्लान फिक्स हो तो प्रेजेंट इंडिफिनिट बनेगा, और उसमें डाउट हो यानी 50-50 चांस हो तो यू कैन यूज फ्यूचर इंडिफिनिट नॉट प्रेजेंट इंडिफिनिट। ओके, और देखिए तो यहाँ पे ये जो एडवर्ब दिए गए हैं नाउ नाउडेज दिस डेज एट द मोमेंट एट दिस टाइम एट प्रेजेंट टाइम, इसका प्रयोग किस टेंस में करना है? तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में करना है। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? नाउ लगा हुआ है, आओ नाउ का प्रयोग किस टेंस में करते हैं? प्रेजेंट कंटीन्यूअस। सही ऑप्शन क्या होगा? इज का। नेक्स्ट देखिए दूसरा, सही ऑप्शन क्या होगा? डोंट वरी आई एम,
चलिए यहां से क्वेश्चन आते रहते हैं और आगे चलते हैं। क्वेश्चन जो है ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अक्सर नीचे की क्लास में पढ़ाया नहीं जाता है या फिर बच्चे ध्यान नहीं दे पाते, तो कहां पे क्वेश्चन आते हैं, जैसे यहां पे रहेगा आई एम सीइंग यू। देखो आई एम सीइंग यू, बच्चे क्या करते हैं, मैं तुम्हें देख रहा हूं तो आई एम सीइंग यू, ये आई एम सीइंग यू यहां पे सी में आई एन जी वापस नहीं होगा, ये गलत है सेंटेंस, देखने में सही लग रहा है लेकिन ये बिल्कुल क्या है, गलत है। इसका सही जवाब क्या होगा, आई सी यू, मैं तुम्हें देख रहा हूं या मैं तुम्हें देखता हूं, हिंदी में अलग अलग हो सकता है लेकिन अंग्रेजी में क्या होगा, सी से ही, क्योंकि सी में आई एन जी का प्रयोग नहीं होता है। तो आप क्वेश्चन करेंगे कि किस में आई एन जी का नहीं प्रयोग होता है, तो चलिए मैं लिखवा देता हूं, आप इसको क्या कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा कॉपी में, ठीक है। तो पहला लव हेट लाइक डिसलाइक रिमेम्बर थिंक अंडरस्टैंड हियर फील कंटेन टेस्ट, एडीसी में लिख देता हूं, यानी वैसे भर, सारे भर नहीं, अधिकांशता वैसे भर जिसका प्रयोग हम कंटिन्यूअस टेंस में नहीं कर सकते, किसका, तो भर्ब ऑफ परसेप्शंस कहा जाता है, यानी जैसे नोज, नोज से क्या करते हैं कि आप फील करते हैं, तो यहां पे नोज से आप जैसे ही, तो यहां पे आप फील में आई एनजी नहीं लगा सकते, ठीक है। लव क्या, देखिए ये हट से किया जाता, हट हट के जो भर्ब बने होते ना, लव हेट लाइक डिसलाइक, ये सब कहां से होता है, हट से किया जाता, दिल से किया जाता है, अतः इसमें भी आई एनजी का प्रयोग नहीं होगा। अक्सर बच्चे देखिए जैसे रहेगा, कभी ऐसा नहीं देखा होगा हमें आई एम लविंग यू, ये वर्ड आपने नहीं देखा होगा, क्या होगा, इसका सही प्रयोग होगा आई लव यू, यानी यहां पे कहने का मतलब क्या होगा कि लव एक ऐसा भर्ब है जो जो आई एन जी कभी लेता नहीं है, अतः इसका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस से प्रयोग नहीं कर सकते, इसका सही बात होगा आई लव यू, यानी आई एम लविंग यू, ये सेंटेंस गलत है। उसी तरह से जैसे आई एम रिमेम्बरिंग माई टास्क, आई एम रिमेम्बरिंग माई टास्क, ये सेंटेंस भी गलत होगा क्योंकि रिमेम्बर में आई एन जी नहीं लगेगा, इसका सही क्या होगा, आई रिमेम्बर माई टास्क, मैं अपना टास्क याद कर रहा हूं। इसी तरह से एग्जाम का एक फेवरेट क्वेश्चन है, एग्जाम बहुत बार पूछता है इसको, चलिए मैं वो क्वेश्चन कराता हूं आपको, जैसे आई एम नोइंग यू, मैं तुम्हें जान रहा हूं, मैं तुम्हें पहचान रहा हूं, यदि ऐसा हुआ तो आप क्या कीजिएगा, ये तो सही लग रहा है, देखने में तो बिल्कुल सही लग रहा है लेकिन सच मायने में ये सेंटेंस गलत है, सही क्या होगा, आई नो यू, मैं तुम्हें जान रहा हूं या तुम्हें जानता हूं। हाँ, जो हिंदी भाषी है, हिंदी अंग्रेजी को बार बार हिंदी से जोड़ते तोड़ते रहते हैं, उनको ये तकलीफ बुझा रहा होगा कि आई नो यू का मतलब मैं तुम्हें जानता हूं, और यहां पे आप बोल रहे हैं कि आई नो यू मतलब मैं तुम्हें जान रहा हूं, अरे भाई सेंस पे काम करेगा, ठीक है ना, यानी नो में आई एन जी नहीं लगता। इसी तरह से आप एक और जो इंपॉर्टेंट है, जैसे देखिएगा मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, ये वाक्य जो अक्सर लड़के बोलते हैं, इसको ट्रांसलेशन कैसे होता है, आई एम इल, आई एम इल, अक्सर लोग इज एम आर को देख करके कंटिन्यूअस करते, लेकिन मैंने बोला जहां देखो कंटिन्यूअस छाप वहां लगा दो बिफोर, तो यानी ये बिफोर लगाने का नाम है, आप देखो तो इल आई डबल इल, इल क्या है, तो इल एक भर्ब है नहीं, और जब इल भर्ब नहीं है तो बोलो आई
आई एन जी लेगा, इस तरह से बना दो आई एम इली क्या, कभी देखा है आपने ऐसा वाक्य आई एम इली? नहीं ना। तो यानी इसका मतलब क्या है कि आई एम इलिंग जो है ये गलत है। आई ये रियल में मैं बीमार हूं यानी अभी भी हूं, जिस वक्त बोला जाए उस समय यदि कोई एक्शन जारी हो तो कॉन्टेंस होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ये नहीं कि रहा रही देख लीजिएगा और कहिएगा कंटिन्यूअस है। देखो तो इसमें मैंने रहा रही नहीं लिखा, क्या ये कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य नहीं है? है तो कहिएगा है, तो फिर आई एन जी वाला सही होना चाहिए ना। तो मैंने ये बोल करके गया कि बहुत सारे ऐसे वर्ब है जो आई एन जी नहीं लेते और इल तो भर भी नहीं है, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, नहीं विशेषता है कि मैं क्या हूं बीमार हूं। तो इस कैटेगरी में आई सही जवाब क्या होगा, आई एम इल। यानी ऐसा कह सकते हैं कि जिस वर्ब का आई एन जी फॉर्म में प्रयोग नहीं होता है उस वर्ब का प्रयोग आप किस में करें, प्रेजेंट इन डिफिनिटिव। एक स्टेप बैक आ जाइए, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बाद नंबर पे है दूसरे नंबर पे, तो एक स्टेप पहले चले जाओ तो क्या होगा प्रेजेंट इन डिफिनिटिव, तो पहला नंबर से। ओके, तो यहां से क्वेश्चन है, चलिए और कर देता हूं आज में। परफेक्ट टेंस के बारे में बता देता हूं, आज पूरा प्रेजेंट ही खत्म कर देता हूं। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट ज्यादा टाइम नहीं लगेगा बस, ठीक है ना, छोटा सा वीडियो। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट जहां देखिए परफेक्ट वहां लगाइए भी थ्री, तो यहां पे क्या लगा दे, जिस तरह से बिफोर हमेशा बी फॉर्म लेता है उसी प्रकार बी थ्री जो है वो हमेशा हैव फॉर्म लेता है। तो हैव प्लस बी थ्री ये किसके पहचान है, परफेक्ट का। लेकिन मैंने बोला कि जहां जहां प्रेजेंट होगा जब देखो प्रेजेंट उस समय लगा दो बी वन या बी फाइव। तो आप देखिए यहां पे हैव है, तो हैव का बी वन या बी फाइव क्या करना होगा, तो हैव का बी वन हैव होता है और हैव का बी फाइव हैज होता है। अतः आप यहां पे क्या करेंगे, हैव या हैज करेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर बनाना हो तो सिंपल, जब आपको आइडेंटिफिकेशन मिल गया हो, पहचान मिल गया हो, तो करना क्या है, आगे लगाओ सब्जेक्ट और पीछे लगाओ अदर वर्ड, ठीक है ना। मैंने अदर वर्ड और ऑब्जेक्ट से संबंधित एक वीडियो डाल रखा है, ठीक है। आप अदर वर्ड और ऑब्जेक्ट को क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि अदर वर्ड में बताया हो मैंने वहां भी, चलो इसके दो भाग, एक बताया थे ऑब्जेक्ट और दूसरा बताया थे कॉम्प्लीमेंट, क्या ऑब्जेक्ट होता है और क्या कॉम्प्लीमेंट होता है, ये आपको उस वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। ग्रामर का प्लेलिस्ट होगा।